असलम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर आपको पता है कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया आपने सारे क्वेश्चन याद कर लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे आपने उनको रिवाइज भी करना है ठीक है जब सैटरडे संडे की छुट्टी होगी तो अब हम बुक वर्क करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स फिलिंग द ब्लैंक में आएगा थ्री फिजिकल लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट आगे है अ मिक्सचर इज अ सैम्पल ऑफ मैटर हैविंग टू और मोर थिंग मिक्स विद ईच अदर फाइव में आएगा फिल्टरेशन इज अ मैथड इन विच मिक्सचर इज पास थ्रू अ पॉल इज शीट आगे बच्चों है चूज द करेक्ट ऑप्शन नंबर वन में देखें अ स्टेट ऑफ मैटर हैविंग अ फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप इज लिक्विड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर आंसर होगा साउंड द प्रॉपर्टी विच इज कॉमन इन लिक्विड एंड गैसेज इज नो डेफिनाइट शेप आगे है ऑफ फॉलिंग इज सॉलेबल इन वॉटर शुगर नंबर फाइव है द मिक्सचर डेट कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेशन इज सैंड इन वॉटर द प्रोसेस विच इन्वॉल्व मिक्सिंग इज मेकिंग टी नंबर सेवन पे है सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दीज तीनों का मिक्सचर है आगे कॉलम देख लें बच्चों इसकी कॉलम की मैं आपको पिक भी सेंड कर देती हूँ जैसे आपने इनको मिलाना है और नेक्स्ट पेज पे है यह आपने खुद करना है एक्टिविटी है कि आपने सॉलिड में सॉलिड अपने इर्द गिर्द देख के सॉलिड की एग्जांपल्स लिखनी है इस बॉक्स में लिक्विड की एग्जांपल लिखनी है जो भी आप लिक्विड चीज़ें आपके इर्द गिर्द मौजूद है सराउंडिंग में इधर गैस की एग्जाम्पल्स लिखनी है नाम लिखने हैं ठीक है जैसे ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है हमारे इर्द गिर्द और इसके अलावा आप वाटर वेपर्स लिख सकते हैं जब पानी को उबालते हैं तो गैस निकलती है या आपने खुद फिल करना है और दोबारा से आपने चैप्टर को रिवाइज करना है बुकवर्क नीट करना है और कंप्लीट करना है